जी, द्वारका जी, कुलदीप जी, राजेंद्र जी, आनंद जी, जसवंत जी, सीलू साहू जी, अंजनी साहू जी, नारायण साहू जी, देवनाथ जी, सुनील कुमार जी, देवधर जी, नंदलाल जी, द्वारकाधीश जी, गेंदलाल जी, राम सेवक गुप्ता जी और मंच में बैठे हुए सब अतिथि मन और उपस्थित साहू समाज के सब पदाधिकारी मन, प्रदेश के, जिला के, तहसील के और बड़े संख्या में हजारों के तादाद में आए हुए सब भाई बहनी मल ला सादर प्रणाम करते हुए युवा सादर साथी मल ला सादर अभिवादन, पत्रकार साथी मल ला भी नमस्कार। भक्त माता कर्मा समाज ला जोड़े के काम करीस और ओकर कारण से हजार साल बाद भी भक्त माता कर्मल हम सब बहुत ही श्रद्धा पूर्वक स्मरण करथन और ओकरे से थी एकमात्र राज्य हालांकि भक्त माता कर्मा के जिन कार्य क्षेत्र है तेन मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, वहां रही से, लेकिन हमर छत्तीसगढ़ में साहू समाज बहुत संख्यक है और सब जन बहुत, हालांकि संकट मोचने एकादशी के दिन शुरू होते लेकिन वो 2 महीना चलते हमर कर्मा जयंती अवकर स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भक्त माता कर्मा जयंती के छुट्टी के मन घोषणा करें। लेकिन राजिम माता ऐसे माता जिन आज राजिम लोचन मंदिर है, हालांकि यहाँ के राजा ओल बनवाई इस मंदिर ला, लेकिन जिन मूर्ति स्थापित हो है तेन भक्त माता राजिम उपलब्ध करा है और कहां से राजिम नगरी बसे है और ये राजिम नगरी ऐसे नगरी के जिन जैसे कि प्रयागराज तीर्थ के जत का महत्व है वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में राजिम के महत्व है। सब समाज के आस्था के केंद्र है, सब समाज के यहाँ सामाजिक बैठक होते और समाज ल जोड़े काम ल राजिम माता करे है तो उन प्रणाम करते हुए जयकारा दोनों बर में लगाए पर आप सब आमंत्रित करता हूं। बोलो भक्त माता कर्मा की, राजिम माता की, भामा साह की। ये जिन हमार राजिम नगरी है तेन सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक हमार केंद्र और ये में हम सब संगम में आके स्नान भी करथन, भगवान राजी लोचन के दर्शन करथन। ये तरफ कुलेश्वर महादेव विराजमान है और ये महादेव माता सीता के द्वारा स्थापित और वही बगल में लोमस ऋषि के आश्रम, तो ऐसे ये बहुत ही प्राचीन नगरी भी है, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है। अवका स्थिति ये जो नगर है तेल बहुत सुंदर व्यवस्थित रूप से बनाए के काम हम सब ने मिलके करना है। हम जब छोटे रहे तो बैला गाड़ा महात रहे, खारून नदी में ढार परन और दूसरा दिन यहां 2-4 दिन रुकन, बढ़िया नदी में कलिंदर बोआ रहा है, ककड़ी बोआ रहा है, वो खा के जान। तो तब से लेके आज तक के इस क्विंटल काबर ज्यादा आवाज आते ले ना मोरे भाषण सिराई तन जाग बेरो जे तब मत बैठा रहन दे, ओ मन देखत है, देखत नहीं है, सुनत है। अब शांति रहा, मैं जब कब ले बैठे नहीं तब कब बैठा रहे कोशिश करा था लेकिन असफल प्रयास करा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो आज ये जो नगरी है तिल बहुत सुंदर व्यवस्थित करे की जरूरत है, बसाए की जरूरत है। हर साल हम आथन, साहू समाज हर साल निमंत्रण देते आथन और टेंट के हजारों लाखों रुपया खर्चा होते, मंच के खर्चा होते। ये साल तो नदी में व्यवस्था कर दे, लेकिन पहले पिछले समय आ रहे हैं तो महाड़ी जी जमीन में करते रहे और वही बात ला ध्यान में रख के समाज के द्वारा कोई मांग मोर से नहीं रही से, लेकिन अचानक मोर बैठे बैठे मंच में बैठे दिमाग में इस
कि यहाँ साहू समाज के भी सम्मेलन होते, यादव समाज के होते, सब समाज के यहाँ अधिवेशन होते, महाअधिवेशन होते, और बार बार सब खर्चा करथन, लाखों करोड़ों रुपया यही में टेंटे माइक में खर्चा हो जाते। माइक की उस समय जरूरत पड़ी, लेकिन टेंट के खर्चा रहे के झंझट। अब ये मैं आए, हजारों आदमी आए हैं, कोई जगह मतलब पानी पेशाब की जाए की व्यवस्था नहीं, रुके की व्यवस्था नहीं, हजारों लाखों आदमी मेलक समय आते, उकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी मन व्यवस्था में लगे रहे थे, उकर मन के रुके की व्यवस्था नहीं, साधु संत मन आते उकर रुके की व्यवस्था नहीं। तो मंच में बैठे बैठे फिर ये सोचा रहे कि ये हर साल यहाँ आयोजन होते और सरकार लाखों रुपया वो ये रेती ऊपर मुरम की सड़क बनाते, टेंट लगाते, फिर बहा जाते, फिर मनाते, फिर बहाते, तो कल एक ही बार बना दे परमानेंट। तो उही समय में गृह मंत्री जी रही से कर पर्यटन विभाग भी है, उस समय यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रही से, तब मैं बोल कहे कि भैया ये जगह कोई मेला स्थल पर जगह देख, 50-60 एकड़ कोई जगह होना चाहिए और वो जगह चिन्हित कर, काबर के हम देखा था जो हमारे आस्था केंद्र है और जो मेला स्थल मन है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाते। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मेला भराते खारून तट में, महादेव जैन रायपुरा में महादेव घाट में भराते, और उन्हें देख पहले हम वहां बैला गाड़ी में जाते रहे। हमारे गांव लगता है नंदलाल साहू गांव नहाक सीधा अमलेश्वर, अमलेश्वर ले महादेव घाट 10 किलोमीटर हमारे गांव है। हम तो साइकिल चलाते आते हैं, मोटरसाइकिल में आते रहे, ट्रैक्टर में सब नौकर चाकर मतलब भर के लाते रहे, लेकिन देखें क्या वो स्थिति महादेव घाट के अमलेश्वर तरफ की कहा तब, चाहे रायपुरा तरफ कहा, आज एक एकड़ जमीन नहीं बांचे, पूरा जमीन में कुछ बेतरतीब सब भवन मन बन गए, मेला लगाए जगह नहीं है, बाजार लगे जगह नहीं, सड़क में पसरा लगाया हमारे छत्तीसगढ़ के जतका जिन खोमचा है, रेड़ी है, दुकान है, वही लगाए बैठे सड़क किनारे में। तो ये अव्यवस्था ठीक नहीं है, और यही स्थिति राज्य में हमारे देखा तो सैकड़ों साल से चले आए है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाए। कि मैं ताम्रा ध्वजवेल के हैं कि जमीन ते प्रभारी मंत्री से खोज और 50-55 एकड़ जमीन कोई जगह चिन्हित कर, ताकि सामाजिक भी कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, सम्मेलन भी हो, मेला भर एक काम हो, जब भी कोई कार्यक्रम हो वो जगह वहाँ व्यवस्था सब प्रकार के व्यवस्था होना चाहिए। तो 55 एकड़ जमीन चिन्हित करे, बहुत विस्तार से कर बारे में 4 लेन सड़क बनी वहाँ का बनी तेकर बारे में ताम्रा ध्वज भैया बता रहे, बोल बताया जरूरत नहीं है। बजट में पैसा कमी बात कर रही थी, 2 करोड़ 5 करोड़ में राजीव हमारा आस्था केंद्र है, ओकर बार जतका पैसा लागे वो पैसा मिलना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। हम सब के आस्था केंद्र है, ओकर से बहुत सुंदर व्यवस्था होना चाहिए। अभी बढ़िया भगवान राम के मूर्ति की स्थापना राम वन गमन पर्यटन पर परिपथ पर चंदखुरी में पहली बनाए, फिर सूर्य नारायण में महाराज के साथ अमन गेरे कते सुंदर महंत राम सुंदर दास जी बैठे, यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और वहाँ बहुत सूर्य नारायण में भी जिन तट है तेल बहुत सुंदर बनाए भी हैं, लाइटिंग भी बढ़िया हुई मंदिर के अंदर, और व्यवस्था वो प्रकार से हम करें ताकि कोई भी जाए यात्री तेल बढ़िया से दर्शन करे, देखे में आनंद लगे, पूरे परिवार के साथ जाए। राज्य में भी अब जब आओ तो रुके की भी व्यवस्था रही, साधु मन के भी रुके की व्यवस्था रही, अधिकारी कर्मचारी मन के रुके की व्यवस्था रही, समाज यदि रुकना चाहते सम्मेलन 2-3 दिन करना चाहते ओकरो पर व्यवस्था रही, भोजन पकाए भी व्यवस्था रही। केवल ये है कि स्थान पहले आरक्षित कर लो और आके सब कार्यक्रम चल लो, ये प्रकार से व्यवस्था हर जतका हमारे पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, सब जगह बनाए हम फैसला करें। आज साहू समाज के उत्थान विकास के बात कर रहे थे, और अभी लखन भाई कहा रही से कि सबसे बड़े समाज है, और मोर केल थोड़े भाई वो समाज हावेज बड़े है, उन्हें किसी कर मैं क्यों तब मानो तब जान नहीं मानो तब है, हमारे पिछड़े वर्ग में सबसे बड़े समाज साहू समाज है, तो है बड़े समाज, तो बड़े समाज है तो शासन की योजना का लाभ भी सबसे ज्यादा होते, सबसे ज्यादा ऋण माफी दूर मन के हो नहीं हो, सबसे ज्यादा धान तू मन बेचा था,
तो सबले ज्यादा पैसा तुम्हारेज करा थे आते नहीं। तो शासन की योजना भी वो प्रकार से हमन बनाया है कि सब किसान मन के हित हो, मजदूर मन के हित हो, महिला मन पर भी रोजगार की व्यवस्था हो, गौ माता भी सेवा हो और हमार मातारी बहनी मन के भी जेब में चार पैसा आए, ये प्रकार के व्यवस्था मन करें ताकि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो। गौठान बनाए और गौठान बनाए के बाद हमन महासमुंद में गए रहे, वहां सम्मेलन हुई तो तेल घानी बोर्ड के घोषणा कर रहे हैं और भाई कहां के लंबू संदीप साहू सब ले ऊंच पूरे अच्छा मोटा तगड़ा ये लग तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष बनाए। और आज जब कभी गौठान बना थे हमर छत्तीसगढ़ में सब प्रकार के जेकर से तेल निकल सकते वो सब चीज है हमर कर नीम है, करंज है, चरौटा है, जिन जंगल में मिल जाते गांव मिल जाते, ओकर अलावा हमन सरसों बोथन तिली बोथन ये सब के पेड़ एक व्यवस्था। अरे बाबा रामदेव कतेक दिन ले बेचेगा शुद्ध खानिक तेल हमारे गांव बेटी माई मन भी बेच सकते हैं और बेचे शुरू भी कर रहे भाई। ये जसपुर और सरगुजा सूरजपुर के सब अध्यक्ष बनाए वहां सब महिला समूह वाला मन खूब बना दे नहीं बना देगा सरसों तेल बना बेचा थे मन चार पैसा होकर मन के जेब में आते। तो सबसे पहली बात है कि हमारा अर्थव्यवस्था घर के सुधरना चाहिए, परिवार के अर्थव्यवस्था सुधरना चाहिए, समाज के अर्थव्यवस्था सुधरना चाहिए। एक बार लगातार हमारा काम चला थे साहू समाज हमेशा प्रगतिशील समाज के रूप में सामने आए हैं। मैं तो कई तहसील साहू संघ के जन बैठक है तीनों में जाता हूं और उनमें हर अध्यक्ष ये टारगेट थे कि वो कार्यकाल में एक न एक नवाचार होना चाहिए, नवा ऐसे कोई काम, नवा सुधार के काम, नया कुछ ऐसी योजना जन समाज ला आगे ले जाए बर काम हो। ऐसे सब तहसील साहू संघ के अध्यक्ष मन के टारगेट रहते, जिला अध्यक्ष मन के टारगेट रहते, उसी प्रकार से जन प्रदेश अध्यक्ष है वो कुछ कुछ ना नवाचार कर रहे थे। अभी जैसे केंद्र के ये चुनाव पद्धति में सुधार होना चाहिए, तेज कट डर में भी जाते अध्यक्ष का हम तो ईवीएम ला मांगा तो मांगा थक गए ईवीएम बदल लगी वो बदल में नहीं करा थे। लेकिन यदि समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहे तो निश्चित रूप से वो होना चाहिए, समाज सुधार होना चाहिए। साहू समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रचार प्रसार हो वो दिशा में भी काम खूब हो है। तो शिक्षा के दिशा में भी हमन काम कर रहे थे कि हमरो लड़का मन अंग्रेजी पढ़ सके, ओकर बस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हर ब्लॉक में हमन खोले और बड़ा डिमांड है कावर को निःशुल्क पढ़ाई हो थे। यदि अंग्रेजी स्कूल प्राइवेट में जाबे हजारों रूपये 25,000 से लेकर 1-1 लाख रूपये तक के साल के फीस लगत ओकर से यदि हमारे बचना है तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल स्तर भी और वो जिन हमारे परिसर है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। ये प्रकार की कोशिश और अब जिन फैसला करे हैं तो जब हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल अच्छा बना सका था तो हमारे गांव के जिन प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी वो सुंदर होना चाहिए। और ओकर बार 17 तारीख जब हमारे 4 साल पूरा हुई तो 1,000 करोड़ रूपया घोषणा करे में ताकि हमारे जितका स्कूल में है तेन बढ़िया सुंदर बनाए, ओकर रंगाई पोताई भी होना चाहिए, जीर्ण शीर्ण हो गए तो जीर्णोद्धार भी होना चाहिए, यदि कमरा की जरूरत है तो अतिरिक्त कमरा भी होना चाहिए, यदि भवन विहीन शाला है तो वह भवन भी बनना चाहिए। लेकिन हमारे ये विद्या के जिन मंदिर है तेन बहुत सुंदर बनना चाहिए, हमारे लड़का मन हुआ याद हमारे भविष्य मन हुआ है तो स्कूल बहुत सुंदर होना चाहिए। उसी प्रकार से ITI के आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए सीट मन भरत नहीं है, काबर कोर से नौकरी उकरी मिलत नहीं है, लेकिन ITI वाला मन के बड़ा डिमांड है पूरा देश और दुनिया में। और ओकर से 1200 करोड़ रूपये ओकर उन्नयन भर और नया ट्रेड खोले भर ITI के शुरुआत करें ताकि लड़का मन पढ़े ट्रेड में ITI करें और जॉब लगाए। तो यह प्रकार के व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी हमन कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र हो गए, स्वास्थ्य और भी लगातार काम चला थे, कई बार आप मन से चर्चा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कहे की जरूरत नहीं है। तो हमन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आय बढ़ाए की व्यवस्था लगातार हमारे मन के द्वारा किए जा रहे थे और जेकर बारे में भी हमारे दावा साहू जी बहुत सम्मान पूर्वक बात लगे कि हर तहसील में साहू समाज जी है जिन्हें भी जेकर कर जमीन है साहू समाज के तहसील साहू संघ या जिला के पास तो भवन पर पैसा दे दें और जिहा
जमीन नहीं है तो जमीन भी 10% के हिसाब से उपलब्ध करा था। अभी कौन जाने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का बात कहा से वो पहले समझ ले तो एक बात वो चर्चा कर ले वो हम तो 10% में दे थन रहे भाई जमीन ला। पिछले समय ऐसा व्यवस्था नहीं रही से कोई भी समाज है वो 10% में जमीन उपलब्ध करा दे थन उसका पैसा पटाओ जमीन हो गए और जमीन हो गए फिर भवन बनाए और भी पैसा दे थन और लाखों करोड़ों रुपया अब तक के साहू समाज ला जगदलपुर से लेके सरगुजा तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक हम दे चुके हैं। आगे भी जिया जिया नहीं बने वो निश्चित रूप से दे वो अभी भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अभी अभनपुर के बांचे शकुंतला के तो खूब ये तो रूंग रूंग के ये नूनी है ना अतका रूंगी इसका मोर सबसे बड़े क्षेत्र भैया तो हमें कॉलेज भी होना चाहिए ITI भी होना चाहिए सड़क भी होना चाहिए बांध भी होना चाहिए सिंचाई की व्यवस्था होना चाहिए। मैं कहें इकल्ले पहले कभी हो भी नहीं करे तो सब लाइन से मांगा जाते और आखिर में साहू समाज के शपथ ग्रहण रही से वो में वो अड़ गिरी से 50 लाख रुपए वो दे आया तो ऐसे छोटे बहनी हो एक नाते बोलत बेटी भू बोल रहे हैं और वो गोत्र हूँ पूछ रहे सब जन मने अधिकारजन खोजोगा तो आज समाज के क्षेत्र में लगातार हमारी कोशिश कि हर समाज के अपन भवन रहा है जहां जाके बैठ के समाज के उत्थान और विकास की दिशा में काम कर सकन तो हमारे मन के प्रयास ही है और आखिरी में जन संस्कृति है तेलो बढ़ावा दे के काम चाहे हरेली की छुट्टी हो तीजा की छुट्टी है कर्मा जयंती की छुट्टी है विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी है छठ पर्व की छुट्टी है और अभी आखिरी में जिन छिरछिरा पुन्नी है तेकरो हम छुट्टी दें ताकि हमारे छत्तीसगढ़िया मन के तीज त्योहार ला हम अच्छा से मना सकन। तो ये प्रकार से अब कुछ तो मांगूंग तो नहीं लखन अजय अब वो समय यही रही अभी थोड़के इंतजार करे लगे कर बस है तो अब के बात कहते हुए हमारे प्रयास ही है कि भक्त माता कर्मा के जिन संदेश है तेल अपन जीवन में उतारन भक्त माता राजी में ओकर जिन योगदान है ओला स्मरण करते हुए समाज ला जोड़ते हुए पूरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के काम हम सब मिलकर करन यही प्रयास सबके तरफ से होना चाहिए। आज प्रदेश साहू संघ के द्वारा आज अतिथि के रूप में आमंत्रित करके मोला न केवल सम्मानित करीस बल्कि गौरवान्वित भी करीस और प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष और पूरा टीम ले हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लिखकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। बोलो भक्त माता कर्मा की, राजिम माता की, भामाशाह की। धन्यवाद।